हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो टाइम बच चुका है 10:30, तो मिल रहे हैं आप बहुत दिनों बाद। कम से कम कितने दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा मैं? एक हफ्ता होगा कम से कम एक हफ्ते बाद व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो कई लोगों के तो मेरे को मैसेज भी आए, कई लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, कई लोग व्हाट्सएप पे कि भाई क्यों नहीं बना रहा व्लॉग, क्या बात हो गई। मगर यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही बीमार से चले गए। तो मेरे को लग रहा था कि मैं एक दो दिनों में ठीक हो जाऊंगा, पर एक दो दिन नहीं, मेरे को लग गया कम से कम एक हफ्ता। और कल ही और परसों ठीक हो गया था मैं, पर कल मेरी हालत नहीं थी। कल मैंने जूस वगैरह पिया ताकि मैं थोड़ी जान जून ला सकूं अपने अंदर। तो मेरे और थी पेट में दर्द, तो पेट की दर्द से मैं इतना हो गया था ना कि मेरे से ना कुछ बोला जा रहा था, ना मुझे कोई जो सामने से बोल रहा था वो अच्छा लग रहा था, ना मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, ना मैं कहीं पे एक्टिव था। इंस्टाग्राम चलाता था मैं ऐसी पोस्ट वगैरह देखने के लिए, बहुतों की मैंने स्टोरियाँ देखी, पोस्ट देखी, कई व्लॉगर भी बन गए मेरे दोस्त। तो अच्छी बात है, करो व्लॉगिंग, किसी को क्या है वो बोल सकते हैं। तो फिलहाल तो मेरा खाना वगैरह तो हो चुका था और दवाई वगैरह तो मेरी होगी ख़त्म जितनी मैंने खानी थी, और इंजेक्शन वगैरह लगे मेरे काफ़ी। बाकी अब तो मैं ठीक हूँ फिलहाल तो। तो अब से व्लॉगिंग डेली आएगी, डेली व्लॉग्स आएंगे तो देखेंगे आप, और पहले की तरह व्लॉगिंग चलती रहेगी। अगर मैं करता रहता एक हफ्ते तक तो अभी तक मेरे 200 व्लॉग्स पूरे हो जाते, लेकिन पूरे नहीं हो पाए। चलो कोई बात नहीं, और आपको बाहर दिखाते हैं एक मिनट। तो देखो बाहर हो रही है बारिश, और बारिश चल रही सुबह से हिमाचल में, बता रखा 3 दिन का अलर्ट, येलो अलर्ट बारिश का। ठीक है यार, बारिश हो गई इस साल वैसे ना, तो बढ़िया है बारिश हो जाए, ठंडा हो रखा मौसम दोपहर तो ठीक है। फिलहाल मैं तो टीवी वगैरह देख रहा था, टीवी चला रखा था मैंने, वो देख रहा था मैं सबका फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो देख रहा था मैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं नहाऊंगा, फिर करते रहेंगे व्लॉगिंग पूरे दिन, मिलते हैं आपसे। ओके हेलो गाइस, तो टाइम बच चुके हैं शाम के 4:30। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिले, बहुत दिन हो गए मिले हुए, मतलब मिला तो था मैं बीच में, अभी परसों को मिला था क्योंकि वो चंडीगढ़ गए थे ना अपने पेपर वगैरह के लिए, तो तब तो ऐसे ही मिलते चलते फिरते। आज मिलने जा रहा मैं बाहर, कार में चलेंगे क्योंकि कार यहीं पे है, और स्कूटी मेरी नानी के घर ही है, वहाँ से तो मैं आ गया था। आपने सोचा होगा भाई ये क्या, वहाँ पे व्लॉग एंड करा, यहाँ पे आ गया, तो ऐसे ही है। तो फिलहाल चलते हैं घूमने और मिलते हैं आपसे बाहर जाके। ठीक है हेलो गाइस, तो फिलहाल हम आ चुके हैं बाहर, और देख लो ये वाला सीन तो देखा हुआ कईयों ने, ये वाला पुल है, जामनी वाला पुल, और हमारी गाड़ी है खड़ी, और वो अंदर बैठ के तेरा काम सा कर रहे कुछ। तो फिर अभी चलते हैं थोड़ी देर, और भाई मौसम बहुत बढ़िया हो रहा, देखो मौसम क्या मस्त हो रहा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा। तो हमारे सेलिब्रिटी से मिलाते हैं आपको। हेलो सेलिब्रिटी, हाय, कैसे हैं आप? फोटोग्राफ चाहिए? नहीं, इतने भी बड़े नहीं है। हो, पेन है आपके पास? बस चलो ठीक है। और फिलहाल मैं तो पजामे में और टी शर्ट में ही आ गया था आज, मैं पजामे टी शर्ट में आ रखा, मेरे को पैंट पहनने का पता नहीं क्यों वो शौक सा हट गया। कितने गंदे हैं आ रहे वहाँ से, देख के हंस रहे मेरे को। तो चलो ठीक है, चलते हैं अभी, और बहुत दिनों बाद आया यार मैं बाहर, इतना मस्त मौसम हो रहा ना यहाँ। चलो चलते हैं और खाएंगे फिर कुछ, फिर घर चलेंगे टाइम से, क्योंकि मैं तो गाड़ी में हूँ, इनको घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है चलेगा अब तो। फिलहाल अब घर चलते हैं हम, और आपको विश्वकर्मा चौक पे छोड़ते हैं, और फिर मैं जाऊंगा अपने घर, ये जाएंगे अपने घर, फिर मिलेंगे। हेलो गाइस, तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ, और मैंने अपने दोस्त को तो छोड़ दिया था विश्वकर्मा चौक। तो फिलहाल यार ये देख सकते हो, जहाँ हम गाड़ी पार करते हो कितने यहाँ पे पेड़ पौधे हो गए, आंटी को बोलेंगे वहाँ कटवा दो इन्हें, और गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी साइड में, क्योंकि भैया को मोड़ नहीं देते ना गाड़ी सुबह, और मेरे को वो हो रहा बढ़िया देख के, वो देखो दिख रहा नहीं दिख रहा, एक मिनट बैक कैमरा करके दिखाते हैं, वो देखो बस वो है ना सामने अपना घर। तो झंडे लगा रखे, एक लगाया हुआ माता का और एक लगाया हुआ बजरंग दल का,
चलो ठीक है, चलते हैं घर, और घर जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर खाना खुना खाएंगे, गाड़ी लॉक कर देते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो टाइम बच चुके हैं रात के 9:30। हाँ 9:30 हो गए, और मम्मी पापा तो है नहीं फिलहाल, मम्मी पापा गए हैं मासी और के घर। तो फिलहाल मैं बैठा हुआ था कमरे में, क्या करना था ये देख, क्या देख रहा मैं, उठपटांग चीज़ें, CID देख रहा, बताओ मैं इतनी रात को ना देखने, वो बात नहीं है, रात दिन भाई रात दिन क्यों देख रहे CID, देख तो सका CID भी, ऐसी बात ना है। तो फिलहाल तो मैं बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था, मैं कहा यार बहुत देर होगी व्लॉगिंग क्यों नहीं करी, और मैंने खाना तो खाया नहीं, क्योंकि खाने में मटर थी मलका की दाल। तो मम्मी कह रही थी मलका की दाल क्यों नहीं खा रहा, मैं कहा भाई देखो मेरे साफ सीधी बात, हॉस्टल में मलका की दाल ही मिले थी, उसी से तो मेरे ऐसी से चेहरा हो गया, ऐसी शक्ल होगी हॉस्टल की मलका की दाल दे, मैं मलका की दाल देना मेरे को चिड़ी मच की, मैं कहा नहीं खाना नहीं। तो बड़े मैंने एक दूध का गिलास लिया, उसमें बादाम काजू पाए, गोले पी गया, उस तो ठीक लग रहा, पेट भी बराबर ऐसा लग रहा। तो अभी थोड़ी देर में करेंगे ब्लॉग का एंड, तो जब मम्मी पापा और आ जाएंगे अपने कमरे में चल जाएंगे, तो यहीं करेंगे ब्लॉग एंड। तब तक तो बैठे क्या करना, कुछ नहीं है करने को, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो गाइस फिलहाल मम्मी पापा भी आ चुके थे अपने कमरे में, चल गए सोने, तो फिलहाल मैं अपनी चादर ले आया, चादर लेके सोऊंगा मैं वहाँ, तो सोलन में तो मैं कंबल लेके सोता था, कंबल नहीं रजाई, क्योंकि वहाँ रजाई थी ना मेरे पास, कंबल था नहीं, रजाई में ही सो जूता मैं, क्योंकि वहाँ रात को ठंड हो जाती थी। तो ठीक है, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग करी, धीरे धीरे दोबारा पुराने व्लॉग्स में आने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो मिलते हैं आपसे कल न्यू व्लॉग में। तो इस व्लॉग को आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत दिन से नहीं सुना होगा आपने, सब्सक्राइब कर लो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लाल बटन होगा नीचे दबा दो उसे, पहला आइकन दबाना ना दबाना आपकी मर्जी है, पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।